ये न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। बुंदेलखंड के दमोह में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी दमोह पहुंची, जहां पर उन्होंने दमोह जिले की चारों विधानसभाओं के कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ आसपास की सीटों से लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के साथ अनेक कांग्रेस नेताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। इस अवसर पर मंच पर दमोह के विधायक अजय टंडन, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रतन चंद जैन के साथ अनेक कांग्रेस जन मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। ये लोग जो लोग मिल लेंगे इनको यहीं रोकना, आप लोग सेट जाओ, पीछे जाओ, आप सब लोग मिल चुके हैं उनको रोकते जाओ। आगे चलो, आगे चलो, आगे आप उधर से आओ ना यार। बोलो बाबा अम्बेडकर जय हो, बाबा साहब। तो जब आप देख रहे हैं कर्नाटक में भी हो रही है, तो जब आप देखें कि हाँ इन्होंने करके दिखाया है इनके प्रदेशों में है, तभी कहीं पीछे हम इनकी बात मान के वोट देते हैं। छत्तीसगढ़ में लागू है, हिमाचल प्रदेश में लागू है, घबराहट नहीं हो रही है कि मेरे पैसे किस चीज में जा रही है, कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मेरी सारी मेहनत, सालों की मेहनत खा देंगी, ये घबराहट नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और साथ में मैं सभी, सबसे पहले मैं हमारे जो दमोह के विधायक हैं अजय टंडन जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्मृति चिन्ह देकर माननीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी का स्वागत करें अजय टंडन जी। और अजय टंडन जी के बाद हमारी बहनों के द्वारा स्मृति चिन्ह और हमारे दलित समाज के और हमारे माइनॉरिटी विभाग के आज हमारे टीम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लिपिका रन और तकलीफों को अपना समझा है और उसे महसूस करते हुए सुलझाने तथा कम करने की जद्दोजहद सदैव अपने मस्तक में जारी रखी है। राजनीतिक जीवन के प्रारंभ काल से सामान्य जीवन जीने वाले लोगों के बीच जाकर आम जनों का लगातार मान बढ़ा रही है। आपकी कार्यशैली और सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता को हम सभी सादर नमन करते हैं। दमोगढ़ में आपका शुभ आगमन हुआ, नया बिहार लेकर आया है। आज का दिन हम सभी के लिए उत्सव का दिन है, हम सभी जिलेवासी अति उत्साहित और हर्षित हैं। ये आज तस्वीर मध्य प्रदेश की आपके सामने
मैं नौजवानों की ओर देखता हूँ। आज का नौजवान जिसकी अपनी सोच है, आज का खटकता हुआ नौजवान, नौजवान जो व्यवसाय का मौका ढूंढता है, नौजवान जो रोजगार का मौका ढूंढ रहा है, नौजवान जो कृषि परिवार से जुड़ा है, वो तो अच्छे कपड़े कभी पहन पाएगा, अच्छी पढ़ाई कभी कर पाएगा जब कृषि परिवार की मजबूती हो। यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, हमारे दमों का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का जब हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरे में जाएगा। यह आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित करते हैं। मैं तो कहता हूँ हमें बेरोजगारी दूर करनी है, पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बेरोजगार बनाना है। उनके नेताओं को आप बेरोजगार बनाएंगे तो हम बेरोजगारी दूर करने के रास्ते में चलेंगे। 17 तारीख को सीपी मित्तल जी, सबसे पहले मेरे साथ कहिए भगवान जागेश्वर नाथ जी की, भुवनेश्वर महादेव जी की, और आज वाल्मीकि जी की जयंती है, उनको भी बहुत बहुत नमन। ये महारानी दुर्गावती जी की धरती है, राजा नल और रानी दमयंती की कहानी भी यहीं पे इसी धरती की एक कहानी है, विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से बहुत वीरों ने 1857 से लेकर आजादी की लड़ाई तक, देश की आजादी तक, इस देश के लिए बलिदान दिए, इस देश के लिए लड़े। आप सब जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं पिछले 3-4 सालों से मैंने यूपी में काम किया और वो देवघर के कुछ इलाके जो यूपी में है उनका मैंने काफी दौरा किया है और काफी मैं लोगों से मिली हूँ, उनकी बातचीत की है। जैसे कमलनाथ जी ने कहा, एक समय में कांग्रेस ने एक बार पैकेज दिया था बुंदेलखंड के लिए, आज परिस्थितियां कुछ अलग है, चुनाव का समय है, आप वादा होगी कि जो भी नेता आता है इस पार्टी का होता है उस पार्टी के बारे में बात करता है और दूसरी पार्टी की आलोचना करता है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि जो वो कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, हम कहते हैं कि वो भ्रष्ट है, वो कहते हैं हम भ्रष्ट हैं, हम कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो क्या करा, वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं करा, और इस कुत्तू बैठे के बीच आपको ये निर्णय लेना होता है कि आप किसका समर्थन करेंगे। कार्यक्रम तो ये था कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी आज दमोह पधारी, साथ में कमलनाथ जी थे, और ये बड़ा अच्छा अवसर है, आज पूर्णिमा भी है और वाल्मीकि जी की जयंती भी है, उससे ज़्यादा अच्छा अवसर ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर जैसे ही चुनाव घोषित हुए और पहली सभा दमोह में हुई, इसका सीधा मतलब है कि प्रियंका जी दमोह से स्नेह करती हैं, दमोह के लोगों को चाहती हैं, इसीलिए तो पहली सभा दमोह में आकर की है उन्होंने। बड़ा अच्छा वातावरण था, काफ़ी संख्या में सभी विधानसभा के लोग इकट्ठे थे और स्पीच भी कोई 2-5 मिनट की नहीं थी, 40 मिनट की स्पीच थी उनकी, और स्पीच में उन्होंने जो देश के अंदर ज्वलंत समस्याएं हैं, जो लोकल समस्याएं हैं, उनका तो जिक्र किया ही किया, और साथ ही साथ शिवराज सिंह की सरकार पर और मोदी जी पर तीखे प्रहार भी किए, और वह प्रहार किए जिनका जवाब इन दोनों के पास है नहीं, चाहे वह मोदी जी हो चाहे स्वराज जी हो। कहने का मतलब ये है आम सभा बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न